भारत का पड़ोसी मुल्क चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन हमेशा से ही भारत समेत कई देशों की जासूसी कराने की कोशिश करता है। बता दें कि चीन और अमेरिका के रिश्ते तो वैसे ही खराब चल रहे हैं, लेकिन चीन की इस हरकत से दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आएगी। आपको बता दें कि शिकागो में चीन के एक नागरिक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब कुछ दिन पहले ही CIA के डायरेक्टर गिना हस्पेल ने चेतावनी दी थी कि चीन की दूसरे देशों में दखल लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा हाल के कुछ समय में जिस तरह से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर को लेकर जंग छिड़ी हुई है, चीन की ये हरकत और तनाव बढ़ाने का काम करेगी। जिस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम जी चोकन है और वो चीन की प्रमुख खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। खबर के मुताबिक चीन की खुफिया एजेंसी ने जी चोकन को अमेरिका में अपने एजेंट नियुक्त करने का टास्क दिया था। इनमें से कुछ को डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करवाना था। बता दें कि जी शिकागो में इंजीनियरिंग का छात्र है और इसके अलावा जी को US आर्मी रिजर्व के लिए भी चुना गया था। अमेरिकी विभाग को जी से जिस तरह की जानकारी हासिल हुई है, यदि वो साबित हो जाती है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। हालांकि जहां तक जासूसी का मामला है तो ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के आरोप दोनों ही देशों पर लगातार लगते रहे हैं। इस साल जून में CIA के पूर्व अधिकारी को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चीन के एक जासूस को सौंपने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि चीन ने वर्ष 2010 में अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव किया था। इसके अलावा चीन ने अपने देश में CIA नेटवर्क को खत्म करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।